ये स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक कार्ड रीडर के टॉपिक से। हाँ जी, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर जो होते हैं कि जैसे आपको सामने स्वाइप होता हुआ कार्ड नजर आ रहा है, ये अमूमन ऐसी जगहों पर हम यूज करते हैं जहां पर सिक्योर एंट्री होती है, वहां पर हर तरह के लोग अलाउड नहीं होते, और उन लोगों के लिए, एंट्री के लिए उनको एक स्पेसिफिक कार्ड दिया जाता है। इसी तरह जो आपके पास बैंक के कार्ड्स होते हैं ना, बेसिकली वो भी मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड ही कार्ड होते हैं। ठीक है, वो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर देखें ब्लैक कलर की जो है वो मैग्नेटिक स्ट्राइप सी बनी होती है। आपके अब घर में किसी का भी एटीएम कार्ड उठा के देखें, या इवन के एटीएम कार्ड नहीं तो इवन आप लोग जैसे डिफरेंट किसी ऐसे स्पॉट पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस्लामाबाद में जैसे सेंटोरस है, वहां पर आप जाते हैं, और फन सिटी में अगर आपके छोटे बहन भाई जाते हैं तो आपको पता होगा कि उनका एक कार्ड बनता है और उस कार्ड में कुछ पेमेंट होती है, तो उस कार्ड को हम स्वाइप करते हैं ना, पहले स्वाइप करते हैं तो हमारे लिए वो एंट्रेंस वाली जगह ओपन होती है। तकरीबन ये तो मेरा ख्याल है हर बच्चे ने एक्सपीरियंस किया होगा, खुद किया होगा, किसी फैमिली मेम्बर के जरिए किया होगा। तो वहां पर आप देखें कि वो एंट्री किस वजह से हो रही है, वो मैग्नेटिक जो आपका कार्ड है उससे हो रही है। तो इसमें देखिए कि मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर, अब रीडर कौन सा है, जिसके अंदर आप स्वाइप कर रहे हैं वो रीडर है, और जो कार्ड है वो कार्ड है। ठीक है, वो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड है। इट रीड्स द मैग्नेटिक स्ट्राइप ऑन द बैक ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक कार्ड्स। द स्ट्राइप इज डिवाइडेड इनटू थ्री हॉरिजॉन्टल ट्रैक्स। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द यूजर एंड द कार्ड इशूइंग कंपनी। अब वो उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, वो इस ये जो आपका कार्ड रीडर है इस ये डेफिनेटली किसी कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि ये कार्ड जो है ये इसका यूजर कौन है। इसके अंदर लेट से अगर हम फन सिटी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो कितना बैलेंस मौजूद है और क्या क्या चीज़ें ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब हम फन सिटी के अंदर जाते हैं, जब हम जो भी राइड हमारे बच्चे ने यूज़ करनी होती है, या जैसे आपके छोटे बहन भाई हैं जिसने जो राइड यूज़ करनी होती है, वो उसके साथ भी एक स्ट्राइप रीडर लगा होता है, तो वो स्ट्राइप रीडर में कार्ड हम स्वाइप करते हैं तो उतना बैलेंस हमारा कट जाता है और उसके बाद हम उस सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह बाकी वर्ल्ड में भी और हमारे कंट्री में भी कई जगह पर ये ऑफिसेज में एंट्री के लिए यूज होता है, और कई जगह पर ये बिल पेमेंट के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा स्टोर पे, आपके घर में भी बहुत से लोग जो है वो आपकी मदर वगैरह, अगर सपोज आपके फादर का कार्ड है उनके पास, तो वो स्वाइप करते हैं और बिल पे हो जाता है। द इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्राइप इंक्लूड द यूजर नेम, अकाउंट नंबर, एक्सपायरी, कंट्री कोड, उसके अंदर जो बैलेंस है, उसको कौन कौन सी एक्सेस जो है ग्रांट है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास कार्ड है और मैंने अपने बच्चे को दिया हुआ है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, तो मे बी कि मैं चाहूंगी कि अगर मेरे अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल ज्यादा पैसे पड़े तो मैं कहूँगी बच्चे के लिए मैं एक लिमिट जो है मुकर्रर कर दूँ, तो मे बी मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँ बच्चे बैंक को कि अगर ये कार्ड जो मैंने अपने बेटे के लिए लिया हुआ है इस पे आप लेट से कि 1000 पर डे से ज्यादा आप इसको अलाउ ना करें स्पेंड करने की, परमिशन ना दे, या मैं लेट से मैं कहती हूँ कि 500 से ज्यादा की परमिशन ना दे, तो ये होगा कि वो जब अपने उस कार्ड से लेट से 500 रुपीज यूज कर लेगा तो उसके बाद उसको परमिशन नहीं होगी उसको यूज करने की, वो उसका कार्ड स्वाइप करेगा वो वैलिड नहीं होगा। अब उस पे पैसे भी हैं लेकिन वो क्या है कि उसको स्पेशल परमिशन नहीं मिली हुई, उसके ऊपर स्पेशल इंस्ट्रक्शन लगा दी गई है। तो इस तरह इनके अंदर हम डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस। अब बायोमेट्रिक से क्या मुराद है, बायोमेट्रिक बायो का सब्जेक्ट आपने देखा होगा ना, आपने पढ़ते होंगे बायोलॉजी मींस लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। तो इस तरह ये जो लिविंग थिंग्स से हमारे से रिलेटेड चीजें हैं ना, इनको हम कहते हैं कि जैसे बायो साइंस, बायोगैस का नाम सुना होगा आपने, इस तरह बायो एनर्जी और ये सारी चीजें, ये कहाँ से आती हैं, ये सब रिलेटेड है लिविंग थिंग्स से। तो बायोमेट्रिक जो है ये क्या चीज़ है आपके पास, कि हम लिविंग थिंग्स जितने भी हम इंसान हैं हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अगर हम उनमें से किसी चीज़ को यूज़ करते हुए उनसे इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अब आपको के लिए कॉमन सी बात होगी, हम अपने मोबाइल को फिंगर से, अपनी फिंगर प्रिंट दे देते हैं ना बाज़ुकात, और फिंगर प्रिंट से मोबाइल हमारा ओपन होता है, कोई सिक्योरिटी कोड नहीं होता, लेकिन अगर कोई और अपना फिंगर प्रिंट उसके ऊपर देगा तो उसका कोड जो है ओपन नहीं होगा। इस तरह फेस रिकग्निशन मोबाइल डिवाइसेस में मौजूद है। तो अब ये सारी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है, हम अपने बॉडी पार्ट्स से अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। अब ये इतनी यूनिक है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि
एक्सक्यूज मी, आपको ये पता होगा, आपने सुना होगा कि ये जैसे थंब इम्प्रेशन है, ये बहुत पुराना आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। जो लोग बहुत पुराने जमाने में होते थे तो आपको पता है ना कि वो अंगूठा लगाते थे अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, और आज के दौर में भी अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो अच्छा जी। तो बायोमेट्रिक में आप देखें कि आपके पास क्या चीज आ रही है, कि बायोमेट्रिक इज अ टेक्नोलॉजी टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन बाय वेरीफाइंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कौन कौन से हो सकते हैं, थंब इम्प्रेशन हो सकता है, फेस हो सकता है, आई का रेटिना हो सकता है, आंख की पुतली जिसे हम कहते हैं। अ बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर इज फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। फिजियोलॉजिकल उसकी बॉडी से रिलेटेड, और बिहेवियरल, बिहेवियरल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी वॉइस रिकग्निशन के साथ भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वॉइस रिकग्निशन आप इसको फिजिकल उस तरह से नहीं कहेंगे, वॉइस हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें कभी उतार चढ़ाव आएंगे, या हमारी जो आप कह लें कि चलने का अंदाज है, दैट उसको हम गेट कहते हैं, जैसे इंग्लिश में GATE, तो उसके उसके जरिए भी रिकग्निशन हो सकती है कि किसी इंसान के चलने के अंदाज से। अब हमें क्यों जरूरत पड़ेगी किसी इंसान के चलने के अंदाज से उसको रिकग्नाइज करने के लिए। अभी आपने पिछले दिनों देखा था कि एक इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में जिसमें जो क्रिमिनल था उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। तो अगर इस तरह के सिस्टम हो जो कि आपकी चाल से, आपके चलने के अंदाज से भी आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो कितना आसान है कि अगर वो जहां कहीं से गुजर रहा है और वो किसी ऐसे सिक्योरिटी कैमरा से गुजरता है जहां पे उसने चाहे कोई भी अपना गेटअप किया हुआ है। आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना, मैं किस वाक्य की तरफ बात कर रही हूँ। तो उसमें देखें, तो उसमें देखें कि वो पर्सन अगर इधर उधर डिफरेंट सिटीज में मूव भी कर रहा है, तो वो किसी सिक्योरिटी कैमरे में उसकी, अगर जहां कहीं सिक्योरिटी कैमरा के सिस्टम में सिर्फ डाल दिया जाए कि ये पर्सन है, इसकी ये आइडेंटिफिकेशन है, तो वो आराम से उसको, यानी अब कैसे किया जाएगा इसको, हमें तो नहीं पता ना कि वो क्रिमिनल था और हमने पूरे पाकिस्तान के कैमरों में उसका रिकॉर्ड डाल दिया। नहीं, अब देखें ये कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं ना, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मिलके काम करते हैं। जब जैसे हमें प्रॉब्लम्स नए आते हैं, उसी तरह हमें उनके सॉल्यूशंस भी नए निकालने होंगे। तो अगर हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए, फॉर एग्जांपल पता चल जाए कि ये शख्स फलां टाइम पे फलां किसी शॉपिंग मॉल में जा रहा था, अगर उस शॉपिंग मॉल के रिकॉर्ड से हम उसके का वो जो चलने का अंदाज है उसकी, वो बायोमेट्रिक या बिहेवियरल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी कर लें, वहां से वो इनपुट ले लें, और फिर उसको प्रोवाइड कर दें हर जगह पर कि ये इनपुट, ये वाला इंफॉर्मेशन, ये रिकॉर्ड जहां मैच हो, इमीडिएटली एक अलर्ट जो है वो जनरेट कर दिया जाए, और उसके रेलिवेंट वो जिस जगह से, जिस सिक्योरिटी कैमरा में वो वाली चीज जो है वो डिटेक्ट हो, वहां के पुलिस स्टेशन को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया जाए उस लोकेशन के साथ विद हाई अलर्ट। तो देखें कितनी आसानी से ये काम हो सकता है। तो लेकिन आसानी से तब हो सकता है जब हमारे पास तकरीबन ऐसी तमाम जगहों पर हमारे पास इस तरह का सिक्योर सिस्टम हो, इतना एफिशिएंट सिस्टम हो। तो चूंकि अभी हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बीइंग कंट्री भी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी हद तक एटलीस्ट बड़े शहरों में इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जल्दी शायद बाकी भी हिस्सों में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हमें मिलना शुरू हो जाए। तो जब हम इन टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएंगे तो हमें, हमारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। बायोमेट्रिक डिवाइस कन्वर्ट्स द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू डिजिटल कोड। अब वो कंप्यूटर ने क्या करना है, उसने तो बाइनरी लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करना है हर चीज को, उसने उसको 0-1 में ट्रांसलेट कर देना है, चाहे वो ह्यूमन आपका, चाहे आपकी वॉइस है, चाहे आपका फेस की इमेज है, चाहे आपके किसी बॉडी पार्ट की कोई बिहेवियर है, चाहे आपकी वॉइस है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को जो भी मिलेगा उसने उसको ट्रांसफर कर देना है डिजिटल कोड में। अब वो डिजिटल कोड कंपेयर होगा, जहां कहीं से वो दोबारा इंफॉर्मेशन मिल रही है वहां से वो डिजिटल कोड जो है वो उसको मिल जाए, उस डिजिटल कोड को डिजिटल कोड के साथ कंपेयर करेगा, और वैल्यू को अगर सही आती है तो आपको आंसर ट्रू मिल जाता है। इसी तरह फिंगरप्रिंट रीडर्स होते हैं जो कि आपके फिंगरप्रिंट्स को रीड करते हैं, और फिंगरप्रिंट की को रीड करके आप उसकी हेल्प से, उसके बाद इसमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की बात है, यानी जो फेस को रिकग्नाइज करता है, हैंड ज्योमेट्री सिस्टम, आपके हाथ की शक्ल, आपके हाथ की ज्योमेट्री। अच्छा, तो इस तरह जो आती है ना, आपके पास जो हैंड ज्योमेट्री है उसको यूज करके हम
कर सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी हेल्प से भी हम कुछ टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब कहाँ पर हो सकती है हैंड ज्योमेट्री की, कहाँ जरूरत पड़ेगी? आप अपने हाथ को स्वाइप करते हैं किसी चीज के सामने से, यानी आप अपना पूरा हाथ स्वाइप करें और दरवाजा खुल जाए, आप उसको टच नहीं कर रहे, आप उसके सामने से अपना हाथ जैसे वेव करते हैं ना, तो इस तरह आप अपने हाथ को वेव करें तो आपके हाथ को मशीन आइडेंटिफाई कर ले और उससे आपको रिकॉग्नाइज कर ले। वॉइस से वेरिफिकेशन से हो सकती है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन। अब सिग्नेचर देखें, ह्यूमन सिग्नेचर भी एक बायोमेट्रिक ट्रेट हो सकता है। ये बात आपके लिए समझना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो अभी, कि सिग्नेचर तो पेपर पे लिखी हुई चीज है ना, लेकिन नहीं, उसमें सिग्नेचर जो है ना वो सिर्फ पेपर पे लिखी हुई चीज नहीं है, बल्कि उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर भी आपकी कभी आप नादरा के ऑफिस में गए हों किसी बड़े के साथ, या कभी खुद जिन बच्चों ने अपना आईडी कार्ड बनवाया है, वहां पे एक खास सरफेस पे आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो जो सिग्नेचर आपके पेपर पे होते हैं, जरूरी नहीं कि उस सरफेस पर भी आपके सिग्नेचर वैसे ही हों, और वो जरूरी नहीं कि हर दफा वो सिग्नेचर आप वैसे ही करें। सिग्नेचर करते वक्त जो है वो आपका हाथ डिफरेंट जगह पर प्रेशर होगा, हाथ का डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स होंगे, सिग्नेचर के अंदर भी डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स बनेंगे, तो इसलिए सिग्नेचर्स भी आपके एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है उसके अंदर, बायोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। और वर्ल्ड में इस पे काफी सारी जो है वो रिसर्च हो रही है कि सिग्नेचर्स के जरिए भी हैंड रिटन सिग्नेचर से, हैंड सिग्नेचर से भी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब उसमें कैसे पता चलेगा कि अगर सेम सिग्नेचर कोई और बंदा करे, यानी आपकी फैमिली का कोई बंदा है, आपके फादर है, मदर है, उनके सिग्नेचर सपोज आपको वो उन्होंने खुद सिखाए हैं, तो उसमें भी बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने ह्यूमन बींग से आपने उसको वेरीफाई करवाना है तो ह्यूमन बींग तो उसको सामने शक्ल को मैच करेगा ना, कि दोनों सिग्नेचर देखने में एक जैसे लग रहे हैं तो वो कहेगा लेकिन मशीन को आप देंगे ना तो वो दोनों सिग्नेचर्स में फर्क बता देंगे। कौन बच्चा म्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट करें जी। उसके बाद आयरिस रिकॉग्निशन है। आयरिस रिकॉग्निशन जो है वो आपकी आंख की पुतली को आयरिस कहते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया कि उसके जरिए भी आपके पास आपकी आइडेंटिफिकेशन इनपुट डिवाइस के तौर पर इनपुट ली जा सकती है और उसकी बेस पे प्रोसेसिंग की जा सकती है। लाइन ऑफ साइट क्या चीज है, कि आपकी एक चीज पे एक ही डायरेक्शन पे, मतलब आप उसके साथ उसकी विजिबिलिटी में हैं, यानी आप देखेंगे लेट्स से कि एक क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो क्या आप बैठे हुए आप अपनी क्लास में बैठे हर स्टूडेंट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कुछ बच्चे आपके लिए विजिबल होते हैं, कुछ विजिबल नहीं होते। आप अपना बिल्कुल राउंड 360 डिग्री पे आप अपने सर को आंखों को घुमा के देखें तो भी आपको 100% अगर बच्चे नजर आ रहे हैं। अगर हम अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की बात करें जो हमारी लैब की है, तो उसमें चूंकि थोड़ी सी वो पार्टीशंस बनी हुई हैं, तो आप वो बीच में रुकावट आ जाती है, तो हर बच्चा आपके लिए विजिबल नहीं होता। लेकिन अगर बड़े से हॉल में, बड़े ग्राउंड में आप वहां बैठे तो हर बच्चा एक दूसरे के लिए विजिबल है। वो जो विजिबिलिटी है ना, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। तो इस तरह के सिस्टम भी होते हैं, और ये आपके आंख की जो आई पॉइंट है उसको आप स्क्रीन के सामने रखते हैं, उसको देखते हैं और उससे ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। आप इसकी एग्जांपल कैसे मैं आपको दूंगी, कि फॉर एग्जांपल हम किसी शॉपिंग मॉल वगैरह पे जाते हैं, आपने देखा होगा उसका डोर खुद से ओपन हो जाता है, ठीक है। अब वो डोर हमारी बॉडी के किस हिस्से को ले रहा है, नहीं ले रहा, आपको इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उस डोर का जो भी सेंसर है वो अगर इस तरह का हो कि जब हम उसको देखें तो वो ओपन हो, तो फिर वो किसके लिए ओपन होगा? वो उसके लिए ओपन होगा जिसको पता होगा वो सेंसर कहाँ लगा है। और फर्दर अगर हमने उसके लिए आइडेंटिफिकेशन डाल दी कि जो इसको ये लोग हैं जो इसमें आ सकते हैं, तो उसके सामने अगर आके लोग खड़े होते हैं और सब लोग उसमें देखते हैं, सेंसर का भी पता है सबको कि वो कहाँ पर लगा हुआ है, आप उसको देखते हैं, तो अगर आप ऑथराइज्ड हैं तो आपके लिए वो डोर ओपन होगा। अगर आपको वहां जाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए तो वो वहां पर आपके लिए वो डोर ओपन नहीं होगा। तो इस तरह लाइन ऑफ साइट के जरिए भी डिफरेंट जगह पर इनपुट प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद है सेंसर इनपुट डिवाइस। अब ये जो मैंने आपको मैं पिछले टॉपिक पे दोबारा जा रही हूँ, लाइन ऑफ साइट की मैंने बात की है ना, इसके अंदर आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे आंख की पुतली से, आयरिस रिकॉग्निशन के साथ नहीं आप इसको कंपेयर करें। मैंने डोर की एग्जांपल दी है, कैमरा आपसे बहुत दूर लगा हुआ है, बहुत बड़ा दरवाजा होता है ना, वो बहुत दूर है कैमरा आपसे, आप कैमरे की तरफ बहुत दूर से देख रहे हैं, वो आपकी आंख की पुतली की 100% नहीं ले रहा।
अगर वो आपकी आंख के आयरस को वेरीफाई कर रहा है तो फिर वो लाइन ऑफ साइट नहीं है, फिर वो आयरस है, ठीक है, वो आयरस डिटेक्ट कर रहा है आपका। और अगर सिर्फ वो आपके देखने से खुल जाता है, चाहे कोई भी इंसान है उसको जब देखता है तो उसे खुल जाता है, तो फिर वो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सेंसर इनपुट डिवाइसेस। ये कौन से होते हैं? ये तो आप रोजमर्रा यूज करते हैं, आपके पास जो आपका सेल फोन है सबसे बड़ा सेंसर इनपुट डिवाइस है। क्या ये सेंस करता है आपके ह्यूमन फिंगर को आप सेंस करवाते हैं, उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, टाइप करते हैं, टाइप करना इज समथिंग एल्स, लेकिन आप उसको पुश करते हैं ना टच स्क्रीन को, तो ये एक सेंसिंग इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा सेंसर जो है, जैसे इनपुट की डिफरेंट टाइप्स हैं, टेक्स्ट इनपुट हो सकती है, वॉइस हो सकती है, इस तरह हमारे पास एनवायरनमेंट में और भी बहुत तरह की चीज़ें मौजूद हैं, जैसे स्मोक है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, और इस तरह बहुत सी एनवायरमेंटल हमारे पास फैक्टर्स हैं, शोर नॉइज लेवल हो सकता है, कोई स्पेसिफिक किसी भी आप कह लें किसी एनिमल्स की, कोई किसी भी एनिमल की कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है वॉइस की। आपको पता है ह्यूमन ईयर जो है, इंसानी कान एक खास फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, इसीलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनको हम सुन नहीं सकते, और इंसानी आंख भी एक खास फ्रीक्वेंसी को देख सकती है, जैसे हम रेनबो के कलर्स को देख सकते हैं। रेनबो के कलर को अगर आपने बचपन में याद किया हो तो सबसे नीचे जो कलर होता है वो रेड होता है, और अगर आपको याद हो तो सबसे ऊपर जो कलर होता है वो आपके पास वायलेट होता है। तो इस तरह इंफ्रा रेड, रेड से नीचे की जो कलर्स होते हैं उनको हम नहीं देख सकते, और जो वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट होते हैं उसको हम नहीं देख सकते। तो इस तरह, लेकिन कोई दूसरे एनिमल्स जो है वो कायनात में ऐसे दूसरे जानवर हो सकते हैं जो कि उन कलर्स को देख सकते हों, उन जो इंफ्रारेड को देख सकते हों। कुत्तों के बारे में आमतौर पे जैसे कहा जाता है कि वो इंफ्रारेड को देख सकते हैं। तो अब हमारी इंसानी आंख की एक लिमिट है, लेकिन अगर हम सपोज चाहते हैं कि हम ऐसे डिवाइसेस देखें, जो ऐसे डिवाइसेस बनाएं या यूज करें जो हमारी फ्रीक्वेंसी से हटकर अगर कोई वॉइस है उसको डिटेक्ट कर सके, इंसान की आंख से हटकर कोई फ्रीक्वेंसी, कोई रेडिएशंस है उनको डिटेक्ट कर सके, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, जो कि एटॉमिक एनर्जी और इस टाइप की जो फील्ड्स है वहाँ पर यूज होती हैं, तो वो रेडियो एक्टिव एनर्जी इंसानी आंख को तो नजर नहीं आ रही होती वो रेडियो एक्टिव वेव्स वगैरह, लेकिन उनको डिटेक्ट करने के लिए ऐसी जगह पर ऐसे सिक्योरिटी डिवाइसेस लगे होते हैं कि जो उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, और अगर उनके ऊपर कुछ अलार्म सेट होते हैं कि जब वो किसी खास लेवल से आगे जाते हैं जहां पर वो इंसान के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं, तो वहां पर वो कोई अलार्म जनरेट कर देते हैं कि जी किसी खास जगह से कोई खास रेडियो एक्टिव रेज जो है वो निकल रही है। इसी तरह मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी कैमरास, जैसे अब आजकल तकरीबन मैक्सिमम बहुत से लोगों के घरों में लगे होते हैं, तो सिक्योरिटी कैमरास में हमारे पास बहुत ज़्यादा सेटिंग होती है कि वो रिकॉर्डिंग करता रहता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसको ऑन मोशन पे लगा देते हैं, हम कहते हैं कि जब ये इसके सामने से कोई बंदा गुजरे ये तभी रिकॉर्डिंग करे, तो ये मूवमेंट पे रिकॉर्डिंग है, जैसे ही उसके सामने कोई मूवमेंट होगी तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा, अदरवाइज वो वॉच करता रहेगा। इसी तरह वेट के बारे में, वेट पे सेंसिंग हो सकती है, सेंसर हो सकता है कि एक खास वेट तक किसी चीज़ को अलाउ किया जाए, उस वेट से एक्सीड करे तो ना अलाउ किया जाए। टेम्परेचर को सेंस किया जा सकता है, घरों में भी स्मोक डिटेक्शन डिवाइसेस जैसे लगे होते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं पर अगर आग लग जाती है तो अलार्म जो है वो खुद बहुत बच जाए, तो ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो सेंसर इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास, हमें पहले आउटपुट की टाइप्स देखनी पड़ेंगी। हमारे पास दो तरह की आउटपुट हो सकती हैं, एक वो जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रही है, और एक आउटपुट वो होती है जो हमारे पास हाथ में प्रिंटेड पेपर की फॉर्म में होती है, जैसे ये आपकी बुक है, जब हम इसको लाइव पढ़ रहे होते हैं फेस टू फेस अपने लर्निंग मोड में, तो ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में किताब हमारे सामने होती है, लेकिन इस वक्त हम फिजिकली चूंकि एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो ये हमारे पास किताब जो है वो सॉफ्ट कॉपी की सूरत में मौजूद है। अब मैंने इस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कैसे कन्वर्ट किया कि जो फिजिकल मेरे पास बुक थी उसकी मैंने एक डिजिटल इमेज बनाई, इमेज में कंप्यूटर ने उसको जो है किसी कंप्यूटर के कोड्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है वो अपने ही फैमिली में किसी और को जो है वो इसको ट्रांसफर कर दिया किसी भी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, तो मेरे अपने कंप्यूटर पे व्हाट्सएप मेरा ओपन था, तो वो सेंट फाइल में जो जाके तो मुझे वो फाइल मिल गई, तो विद इन सेकेंड देखिए मैंने हार्ड कॉपी को जो है वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर लिया।
अब अगर मेरे पास कोई चीज कंप्यूटर में मौजूद है सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, तो अगर लेट से कि मैं कोई अपने हाथ से कोई चीज लिख के जो है वो उसकी इमेज बना के आपसे यहाँ शेयर करती हूँ, और आपने फर्दर किसी और को देनी है फिजिकल फॉर्म में, तो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, तो वो आप सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे देखें कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कम्युनिकेशन कितनी आसान हो जाती है, और आपकी हैंड रिटन स्टेटमेंट जो है वो बहुत आसानी से, लेट से किसी बंदे ने अपनी कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट करवानी है किसी बैंक वगैरह में, और बैंक कहता है जी उस बंदे की हैंड रिटन चीज़ ही हो, तो कितना आसान है कि वो वहाँ से अपने हाथ से कोई चीज़ लिखेंगे, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेंगे, इमेज बना के उसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, और हम उसका प्रिंट निकाल के यहाँ बैंक में जमा करवा देंगे। तो देखें कि एक जगह से हार्ड कॉपी जो है वो ट्रांसफ़र होने के लिए उसे हमने सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया, और दोबारा उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके जहाँ पर उसकी जो ज़रूरत थी उसे हमने पहुँचा दिया। कंपैरिजन यहाँ लिखा है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, मॉडिफाई आराम से हो जाएगी, इंटेंजिबल है यानी ये फिजिकल चीज है जिसको वो आप टच कर सके, और इसी तरीके से आपके पास, क्योंकि जब आप कंप्यूटर के अंदर भी टच कर रहे हैं तो आप उस सॉफ्ट कॉपी को टच नहीं कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर को टच कर रहे हैं, और इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आप फ्री में बना सकते हैं, जितनी मर्जी एक फाइल है आप अपने कंप्यूटर पे उसकी जितनी मर्जी कॉपीज बनाते जाएं उस पर आपकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, जबकि हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में होती है, इसको मॉडिफाई करना डिफिकल्ट है। मॉडिफाई करने के लिए आपको उस पर ब्लैंको लगाना पड़ेगा, या आप किसी तरीके से उसके ऊपर कटिंग करके दोबारा लिखना पड़ेगा, तो उसके अंदर पता चलेगा कि ये मॉडिफाइड है, जबकि सॉफ्ट कॉपी में आप कोई चीज़ पहले से लिखी हुई है उसको ओवरराइट करते हैं, पता नहीं चलेगा कि पहले क्या लिखा हुआ था। हार्ड कॉपी टेंजिबल है आपके पास, यानी इसको आप टच कर सकते हैं, पेपर पे इसे प्रिंट किया जा सकता है, और इसकी डुप्लीकेट यानी फोटोकॉपी करवाने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अब आपके पास इन आउटपुट की कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, जिस तरह से इनपुट की भी आपने टाइप्स देखी है ना, कि इनपुट में हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ग्राफिक्स है, इस तरह ही आउटपुट की टाइप्स लिखी हैं। टेक्स्ट की फॉर्म में आउटपुट हो सकता है, ग्राफिक्स यानी तस्वीरों की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो यानी आवाज़ की फॉर्म में आउटपुट हो सकती है, और इस तरह वीडियो की फॉर्म में आउटपुट हो सकती है। तो अब आप देखें कि जितनी फॉर्म में आउटपुट है उसी तरह के आउटपुट डिवाइसेस भी हमें चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास आउटपुट है टेक्स्ट, ये सारी की सारी फॉर्म जो हैं आपके पास, यानी टेक्स्ट है, या तस्वीरें हैं, या वॉइस है, वॉइस नहीं या वीडियो है, यानी इनमें से वीडियो में से भी सिर्फ तस्वीर की बात हो रही है, ठीक है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है वो आप मॉनिटर पे देख सकते हैं। अब अगर इसमें आपने ऑडियो यानी ये इसमें से साउंड सुननी है तो उसके लिए आपको स्पीकर लगाना या ईयरफोन लगाना मस्ट है। इस तरह वीडियो देखनी है तो वीडियो की तस्वीर तो आपके पास मॉनिटर स्क्रीन पे आएगी, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो स्पीकर या आपके पास माइक्रोफोन, आपके जो आप हैंड फ्री वगैरह लगाएंगे या हेडफोन लगाएंगे उसमें आपको मिलेगी। और अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन की, अब इनमें से प्रिंट हम किसका ले सकते हैं, हम किसी वीडियो का प्रिंट नहीं ले सकते, ठीक है, हम किसी ऑडियो का प्रिंट नहीं ले सकते। पहले वाली जो दो पार्ट टाइप्स हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स, इसका हम प्रिंट ले सकते हैं और उसके लिए हम प्रिंटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस। अब ये डिस्प्ले डिवाइसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है, सबसे पहले इनिशियल कंप्यूटर आपने हिस्ट्री में देखा कि सबसे पहले उनके साथ जो डिवाइसेस डिस्प्ले के लिए यूज हुए वो मॉनिटर स्क्रीन थी, मॉनिटर की स्क्रीन, मॉनिटर जो हैं, फिर इसमें फर्दर आपके पास बहुत सारे टाइप्स आ जाती हैं इन डिस्प्ले डिवाइसेस में, और दिस डिस्प्ले डिवाइस इज आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड वीडियो, ठीक है। अब यहाँ वीडियो का वर्ड लिखा है लेकिन शुरू में क्या लिखा है, डिस्प्ले, वीडियो को वो प्ले मतलब डिस्प्ले करेगा, साउंड उसमें नहीं आएगी, उसके ग्राफिक्स आपको हिलते हुए मूव करते हुए नजर आ जाएंगे। द आउटपुट डिस्प्लेड बाय द डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, ये भी आपको पता चल गया। द डिस्प्ले फॉर द डेस्कटॉप टिपिकली इज द मॉनिटर दैट इज सेपरेट फिजिकल डिवाइस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है चार आपको फिजिकल डिवाइस दिखाई गए हैं, मॉनिटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है और टैबलेट है, इन सब के ऊपर हमें डिस्प्ले नजर आ रहा होता है। अब किसी भी डिस्प्ले डिवाइस के कुछ खास फीचर्स होते हैं जिसकी बेस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ये डिवाइस अच्छा डिवाइस है, बुरा डिवाइस है, कैसा है। इसमें देखें सबसे पहले उस फीचर डिवाइस का फिजिकल साइज, यानी अगर आप कोई मोबाइल परचेज करते हैं उसके साइज भी हमारे लिए मैटर कर रहा होता है, हम कोई लैपटॉप परचेज करते हैं हम कहते हैं ये कितने इंचेस का है, आप टीवी परचेज करते हैं उसको भी आप देखते हैं कि कितने इंचेस का है, और उसके अलावा और भी हम फीचर्स देखते हैं।
तो सबसे पहले तो उसका फिजिकल साइज हो गया। अब वो साइज जो है, एक तो देखने में हमें साइज की नजर आ रही है स्क्रीन का साइज, लेकिन अंदर उसके साइज का क्या फर्क है कि उसके अंदर कितने पिक्सल्स जो हैं वो एट ए टाइम मैक्सिमम जो है वो कितनी हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ गिवन है कि डिस्प्ले स्क्रीन्स आर मेजर डायगनली। अब इसको डायगनल मेजर करेंगे, अक्सर लोग टीवी वगैरह जब हम परचेस करते हैं हम कहते हैं कि इतने इंच का बता रहे थे, तो ये कितने इंच का, लेट्स से कि हम कहते हैं 27 इंच का टीवी है या 29 का है या 32 इंच की है। एलईडी एलसीडीज आपको पता है काफ़ी कॉमन है आजकल, 56 की साइज बहुत कॉमन है। तो जब आप उसे मेजर करेंगे तो उसकी विड्थ कुछ और होगी और उसकी हाइट कुछ और होगी। तो विड्थ और हाइट से तो अब 50, अगर 32 इंचेस की ही एलसीडी की आप बात लेंगे तो उसमें आपके पास जो है डिफरेंट एस्पेक्ट रेशो आ जाएगी। 32 इंच की किसी के घर में अगर एलसीडी है तो वो मे बी ज्यादा वाइड हो और उसकी हाइट थोड़ी कम हो, लेकिन किसी के पास ऐसी भी हो सकती है कि उसकी हाइट और विड्थ जो है वो थोड़ी सी इक्वल हो। तो ये क्या है, इसको हम एस्पेक्ट रेशो कहते हैं। यहाँ आपको गिवन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर रेंज फ्रॉम 17 to 30 इंचेस, ठीक है। नोटबुक टिपिकली 10 इंचेस डिस्प्ले से स्टार्ट होती है और 17 इंच तक तकरीबन 16.5 समथिंग तक जाती है। मोस्ट करंट डिस्प्ले आर वाइड स्क्रीन विच मीन्स दे यूज 16:9, ठीक है, 16:10, ये उनकी एस्पेक्ट रेशो है। ये आप अपने मोबाइल में कैमरा की सेटिंग पर भी जाएंगे तो वहां पर भी ये एस्पेक्ट रेशो आपको नजर आएगी। सिमिलर टू द वाइड स्क्रीन टेलीविजन द एस्पेक्ट रेशो ऑफ द विड्थ स्क्रीन एंड हाइट, ठीक है, पहला उसका विड्थ का पार्ट है और दूसरा उसकी हाइट का पार्ट है, यानी 16:9 का मतलब है 16 विड्थ है और 9 जो है वो हाइट है। और ये बहुत सारी रिसर्चेस इस पे हुई हैं और रिसर्चेस से यही साबित है कि जितनी आपके पास जो है स्क्रीन में हाइट कम हो विड्थ ज्यादा हो तो वो ह्यूमन आई के लिए और ह्यूमन ब्रेन के लिए वो ज्यादा कह लें कि अंडरस्टैंडेबल चीज है। अब इसमें आ जाते हैं कि इनके अंदर कलर्स, अब पहले ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स आते थे जिनको मोनोक्रोम कहते थे और उसके अलावा अब तो तकरीबन वो नापैद हो चुके हैं, अब तो हर तरफ आपको कलर स्क्रीन्स ही नजर आएंगी। ये जो कलर स्क्रीन्स होती हैं ये तकरीबन टीवी, आजकल जो डिजिटल टीवी एलसीडी एलईडी वगैरह है वो सब भी इसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बेस पर है, बेस कर रहे हैं। तो इनके अंदर जो बेसिकली कलर्स होते हैं वो 3 बेसिक कलर होते हैं और ये देखें ये जो हमारे पास कॉमन लाइफ में बेसिक कलर हैं वो डिफरेंट हैं। रेड और येलो को मिला के ऑरेंज जैसे बन जाता है, रेड येलो और ब्लू हो शायद बेसिक, तो इन्हीं में से हम गालबन ब्लू और येलो को शायद मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये उससे फर्क है। ये रेड आर जी बी है, कंप्यूटर के प्राइमरी कलर्स जो है वो रियल लाइफ में येलो प्राइमरी कलर होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये ग्रीन जो है ये प्राइमरी कलर आ रहा है। तो ये आर जी बी जो है इसमें इन्हीं कलर्स के कम्बिनेशन से जो है वो डिफरेंट आप जो कलर्स जो है उनको बना सकते हैं। द मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन जो है उनके अंदर ग्रे स्केल होता है, उसमें ज्यादा कलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये कलर्स की आगे फर्दर क्या डिटेल है कि इसकी हर एक की रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक स्क्वायर इंच अगर आप अपनी स्क्रीन पे ड्रॉ करें तो उसमें कितने पिक्सल्स आ सकते हैं, यानी अगर आप यहाँ पर मैं इसको देखती हूँ, नहीं ये कुछ और हो गया, यहाँ मेरे ख्याल से कुछ एडिटिंग की मुझे ऑप्शन मिले तो फिर ठीक है। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पर ये कुछ ड्रॉ किया है, एक स्क्रीन ये एक स्क्वायर सा ड्रॉ किया है, ये एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है। तो अगर इस तरह मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ इसके दरमियान अगर इसकी विड्थ में कितने पिक्सल्स हैं और इसकी हाइट में कितने पिक्सल्स हैं, लेट्स से कि इसको हम विड्थ में डिवाइड करते हैं तो लेट्स से कि हमारे पास 50 डॉट्स आ सकते हैं और हाइट में हम अगर देखते हैं तो इसमें 200 डॉट्स आ सकते हैं, तो 200/50 को हम देखेंगे तो दैट वुड बी द रेजोल्यूशन, इसकी जो है वो आपके पास पिक्सल्स की क्वालिटी बनेगी कि एक पिक्सल्स में इतना कुछ आ सकता है।
तो ये इसकी किसी भी डिस्प्ले डिवाइस की रेजोल्यूशन कहलाती है। आपके मोबाइल में भी जो कैमरा होता है उसकी रेजोल्यूशन होती है, जितनी हायर रेजोल्यूशन होगी उतनी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। यहाँ पर एग्जांपल आपको दी गई है जैसे 1600x1900 रेजोल्यूशन, तो इसमें क्या होगा कि 1600 जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल रो में 1600 पिक्सल्स आ सकते हैं और 1900 पिक्सल जो है वो वर्टिकल रो में आ सकते हैं। यानी अगर आप इस रुख पे लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल तो उसको डिवाइड करेंगे तो सब मैक्सिमम आप उस पे 1600 जो है वो डॉट्स आ सकते हैं, और लंबाई के रुख अगर उसे करेंगे तो मैक्सिमम 1900 डॉट्स आ सकते हैं, तो ये उसकी रेजोल्यूशन कहलाएगी। उसके बाद किसी भी डिस्प्ले डिवाइस की का रिफ्रेश रेट होता है, ये कंप्यूटर ये चीज़ जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन्स के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक है। ये रिफ्रेश रेट क्या होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो आपकी रीड्रॉ होती है, ये जितनी भी हमें कंप्यूटर पे इमेज नज़र आ रही होती है हमें कितनी स्मूथ नज़र आ रही होती है, लेकिन ये हर दूसरे लम्हे दोबारा 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 डिस्प्ले हो रही होती है। अब देखें वीडियो क्या चीज़ है, डिफरेंट स्टैटिक फ्रेम्स को तेज़ी से आप इंसान की आँख के सामने से गुजारते हैं तो वो आपको विजुअल वीडियो लगती है। तो जैसे जो लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं उनकी भी अगर वीडियोस हमारे पास मौजूद है तो वो वीडियोस हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ह्यूमन बीइंग उसके अंदर मौजूद है, नहीं वो ह्यूमन बीइंग की स्टैटिक इमेजेस हैं। स्टैटिक इमेजेस को हम बहुत तेजी से चलाते हैं तो वो हमें विजुअल लगती है, हमें चलता है कि चीज मूव कर रही है। जैसे अगर आप अपने पास कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक ही कार्टून कैरेक्टर है, एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर आप एक डॉट लगाएं, अब वो एक डॉट पहले किसी एक जगह पर लगाएं, फिर उसके बाद थोड़ा सा डॉट अगला एक बिल्कुल सेम सर्कल ड्रॉ करें और उसके अंदर वही डॉट जो है वो थोड़ा सा आगे करके लगा दें, फिर सेम सर्कल ड्रॉ करें वो डॉट थोड़ा सा और आगे कर दें। अब उन तीन तस्वीरों को तेजी से आप देखेंगे तो आपको वो डॉट मूव होता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारे पास जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो भी बार बार रीड्रॉ हो रही है, इसको हम रिफ्रेश होना कहते हैं। अब ये अगर तो कंप्यूटर स्लो हो तो वो इतनी आहिस्ता आहिस्ता रिफ्रेश होती है कि हमें ये स्क्रीन फील होती है, पता चलता है, लेकिन अब कंप्यूटर्स इतने फास्ट आ चुके हैं कि ये विद इन सेकेंड जो है वो इतनी ज्यादा तेजी से एक सेकेंड के भी बहुत छोटे हिस्से में ये बार बार रीड्रॉ हो रही होती है, रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए ये हर्ट्ज में है आपके पास। इमेज ऑन द स्क्रीन अपीयर्स मोर सॉलिड If the refresh rate is high, the screen will flicker less. स्क्रीन आपने देखा होगा बस वक्त कांपती है, कोई स्क्रीन फ्लिकर करती है, उस वक्त वो रिफ्रेश हो रही होती है और डिवाइस अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस वक्त वो इमेज हमें मूव होती हुई दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं कि तस्वीर जो है वो फ्लिकर कर रही है। द रिफ्रेश रेट शुड बी एट लीस्ट 72 हर्ट्स। कॉमन मॉनिटर्स हैव रिफ्रेश रेट 75 से 85 हर्ट्स तक हो सकता है, इससे ज्यादा भी होता होगा अब तो, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे आ चुकी है। अब देखें अगली चीज है डॉट पिच, द डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल ऑन द डिस्प्ले। ये एक पिक्सल का दूसरे पिक्सल से फासला, ये आपको छोटे छोटे पिक्सल नजर आ रहे हैं देखिए, तो एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के दरमियान थोड़ी बहुत जो है वो गैप मौजूद है, इसको डॉट पिच कहते हैं। और ये देखें यहाँ पर 0.26, 0.23, ये बहुत मामूली मामूली जो है वो इनके दरमियान जितना फासला, अब आप सोच सकते हैं कि जितना फासला कम होगा उतनी रेजोल्यूशन हाई होगी, उतनी पिक्चर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। अ लोअर डॉट पिच मींस द ब्लैंक स्पेस बिटवीन पिक्सल्स जो है वो कम है, और जितनी स्पेस कम होगी, ये जैसे मैंने आपको कल कलरिंग की एग्जाम्पल देखी, आप किसी जगह पे कलर करते हैं किसी पिक्चर में तो अगर वो कलर दूर दूर होगा तो रेजोल्यूशन लो होगी, आपको वो जो कलरिंग है इतनी फाइन नहीं नजर आएगी, और जितना कलर आप उस पर ज्यादा अच्छा करेंगे तो वाइट स्पेस उतनी कम होगी। इट मींस जो उसके अंदर कलर्ड के डॉट बन रहे हैं ना वो उनके अंदर वाइट स्पेस का फासला बहुत कम है। आप इसका भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप किसी भी एक सर्कल लें, उसमें किसी भी कलर पेंसिल से कलर करें और अपने मोबाइल के अंदर उसकी तस्वीर बनाएं, उसको जूम करें, जितना ज्यादा जूम करेंगे आपके उसके पिक्सल्स फटते हुए दिखाई देंगे और उतना ही आपको पता चलेगा कि जो आपको आम आंख से उनके अंदर गैप नजर नहीं आ रहा था अपने कलर के डॉट्स में, उतना आपको वो डॉट जो है वो डिस्टेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा पास है टॉपिक इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस में जो चीज है हमारे पास वो वीडियो एडॉप्टर है। अब ये सब तो आपने जो देखी है ना पार्ट्स, मॉनिटर स्क्रीन देखी आपने और उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, वो सब आपको फिजिकली बाहर नजर आ रही है।
ये सब चीजें कंप्यूटर के सीपीयू के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक वीडियो कार्ड लगा होता है, जिस कंप्यूटर में, जैसे जिनके घरों में अगर आप लोग गेमिंग वाले कंप्यूटर्स यूज करते होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा जो है वो अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक कार्ड, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड भी उनके अंदर लगते हैं, तो उतनी ही आपके पास अच्छी गेम जो है, यानी कुछ हाई रेजोल्यूशन गेम्स होंगी, जो कि अगर आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटी विजुअल वीडियो ग्राफिक्स, उसकी ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है तो वो गेम्स उस पर प्ले ही नहीं हो सकती। तो इंटरनली जो ये सारी ग्राफिक्स को हैंडल करता है वो वीडियो एडाप्टर होता है, और स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है उसको कितनी रेजोल्यूशन देनी है कितनी नहीं देनी है इसको मैनेज करता है, इमेज किस तरह की डिस्प्ले होगी और उसकी वही डॉट पेज पिक्सल्स वगैरह सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। और इसमें एक चीज़ और भी काबिल जिक्र ये है कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा हो लेकिन मॉनिटर स्क्रीन जो है वो बहुत पुरानी आप रख लें तो भी, अब क्या होगा, ग्राफिक कार्ड के पास तो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन डिस्प्ले करने की कैपेबिलिटी है लेकिन आपका मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले की कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, आपकी तस्वीर दिखाई नहीं देगी, आएगी नहीं। तो क्या आप, क्या इसी तरह से अगर मॉनिटर के पास बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है लेकिन आप, लेकिन अगर आपके पास जो है वो पीछे ग्राफिक कार्ड इतना अच्छा नहीं है तो आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर नहीं आएगी। इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, जैसे आजकल हम मैक्सिमम घरों में केबल टीवी यूज हो रहा होता है, तो आप जाके बहुत अच्छा सा एक्सपेंसिव सा टीवी आप खरीद लें जिसकी बहुत हाई रेजोल्यूशन हो, लेकिन जब आप उसको इनपुट दे रहे हैं अपनी केबल के टीवी के जरिए और केबल प्रोवाइडर जो है वो हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, वो HD हाई डेफिनेशन इमेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, तो आपको तस्वीर अच्छी नहीं मिलेगी उस पर। तो सेम चीज है कि अगर आपका मॉनिटर स्क्रीन बहुत अच्छा है लेकिन आपका जो वीडियो एडाप्टर लगा हुआ है सीपीयू के अंदर वो ज्यादा हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं कर सकता तो भी आपको अच्छी पिक्चर नहीं मिलेगी। तो ये वीजीए की कुछ रेजोल्यूशन की एग्जांपल्स गिवन है, ग्राफिक्स कार्ड 640x480 हो सकते हैं, 800x600 हो सकते हैं, 1024x768, और ये आप सब लोग जिनके पास कंप्यूटर्स हैं आप अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें, डेस्कटॉप पे किसी खाली जगह पे राइट क्लिक करें, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में जाएं और अपने मॉनिटर स्क्रीन की ये रेजोल्यूशन चेंज करके देखें। तो जितनी लो रेजोल्यूशन होगी अगर 640x480 पे कर देंगे तो आपको बड़े बड़े आइकन नजर आएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अगर आप उसको 300x1200 कर देंगे तो आपको वो आइकन छोटे छोटे नजर आएंगे। और इसी तरह इनमें से अगर आप 1200x1200 कोई और इस तरह की ऑप्शन इसमें से चूज करें 1280x1024 तो आपकी इमेज जो स्क्रीन है वो या तो आप कह लें कि थोड़ी चिपटी भी आपको नजर आ सकती है, यानी क्या हुआ अगर आपने हाइट कम कर दी और विड्थ ज्यादा कर दी तो क्या होगा, वो थोड़ी सी आपके पास तस्वीर जो है वो चिपटी नजर आएगी आपको। उसके बाद मैं साथ कोर्स आउटलाइन को देखना चाहूंगी, डिस्प्ले डिवाइसेस हैं और हाई डेफिनेशन टीवी की बात है और प्रिंटर्स हैं। डिस्प्ले डिवाइसेस में देखेंगे कि क्या क्या आ रहे हैं, हार्डवेयर के लिहाज से भी बेसिकली डिस्प्ले डिवाइसेस आपने, हाँ ये भी करनी पड़ेंगी आपको, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस भी करनी पड़ेंगी। अब पहले जितनी चीज़ें आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ना, वो प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो लॉजिकल थी, ठीक है, वो फीचर्स लॉजिकल थे, उनको आप टच नहीं कर सकते थे। अब जो आप टाइप्स देखने लगे हैं ना, ये फिजिकल है कि ये जो आपके पास डिफरेंट तरह के टीवी अवेलेबल होते हैं इनके अंदर हार्डवेयर किस तरह का है। पहले जो आपने फीचर्स देखे हैं वो लॉजिकल है सारे, वो कह लें कि वो सॉफ्टवेयर के लिहाज से फीचर्स थे, अब आपके पास ये इसके अंदर हार्डवेयर के लिहाज से फीचर्स हैं। तो आपने जो पुराने टीवी देखे होंगे जो पीछे से काफी जो है वो चौड़े होते थे उनके अंदर, और इसी तरह मॉनिटर्स भी होते थे, मॉनिटर्स अभी भी कई ऑर्गेनाइजेशंस में पड़े होते हैं उस तरह के, तो उनके अंदर जो उनका उनकी शेप इस तरह की हमेशा क्यों होती है, क्योंकि अंदर एक फिजिकली ये कैथोड रे ट्यूब होती है, इनको हम CRT मॉनिटर कहते हैं। ये कैथोड रे ट्यूब के अंदर पीछे एक गन होती है, उस गन से डिफरेंट कलर की जो बीम होती है फास्फोरस सरफेस के ऊपर पड़ती है, और यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, द CRT कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर गन्स दैट फायर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द स्क्रीन। स्क्रीन की बैक साइड पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको थ्रो करती है वो गन, जिसकी हेल्प से आपकी वो जो है फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है उस पर फास्फर जो है वो डॉट्स होते हैं, और वो अंदर से उसको फिर उनकी फॉर्म से हमें तस्वीर जो है वो डिस्प्ले होती है। एवरी बीम फॉल टेक्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो
तो वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो बीम जो है वो उसके ऊपर थ्रो होती है सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से हमें तस्वीर जो है वो उन स्क्रीन पर नजर आती है। उसके बाद जो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं ये टोटली डिफरेंट है, उसके अंदर फिर CRT ये वाली ट्यूब नहीं होती है, उनके अंदर कैथोड रे ट्यूब नहीं होती, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी में आप इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज केमिकल्स होते हैं, जिसमें गैस प्लाज्मा भी हो सकता है और इसके अलावा उसके अंदर जो है और भी मटीरियल होता है, अदर ट्रांसपेरेंट मटीरियल हो सकता है। जैसे आपने अपनी कैलकुलेटर की स्क्रीन देखी होगी, आप कह लें कि वो जैसे उसको आप जब क्लिक करते हैं उस पर अगर आप फिंगर से पुश करेंगे तो वो ब्लैक हो जाती है, उसमें ऐसे नहीं आपको लगता नहीं जैसे कोई लिक्विड है पीछे, कि आप जहां से पुश करेंगे जैसे किसी चीज के नीचे सरफेस के नीचे आप एक्सरे शीट लें और उसके नीचे पानी डाल दें और आप एक्सरे शीट को ऊपर से पुश करेंगे तो जहां पे नीचे उसको पानी टच करेगा वहां उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ये जो कुछ ऐसी स्क्रीन्स होती हैं जिनको आप टच करते हैं तो जिसमें कैलकुलेटर स्क्रीन जो है वो ज्यादा आपके लिए एक ऐसी चीज है जो हर बच्चा उसको टच करके देख सकता है, तो उसमें क्या होता है इसे ये जो स्क्रीन्स होती हैं ये हार्मफुल रेडिएशंस जो है वो बिल्कुल एमिट नहीं करती हैं, उसके अलावा इनके अंदर डिजिटल सिग्नल्स यूज होते हैं और इससे इमेज की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होती है। इसमें देखिए आपके पास जो है ये जो डिस्प्लेज हैं फिर फ्लैट पैनल में आपके पास एक एक ये भी होते हैं, फ्लैट पैनल में भी दो टाइप्स आती हैं, फ्लैट पैनल में ये वाला भी हो सकता है, LCD वाला भी हो सकता है और कैथोड रे वाला भी हो सकता है। कैथोड रे में भी आपको कुछ मॉनिटर नजर आते हैं जो सामने से बहुत उभरे हुए होते हैं और कुछ ऐसे मॉनिटर होते हैं जो सामने से फ्लैट होते हैं। तो जब आप आएंगे अपने रेगुलर क्लासेस के लिए तो फिर मैं आपको वहां पर ये दोनों टाइप के फिजिकली मॉनिटर्स दिखा, तीनों टाइप के मॉनिटर्स दिखा भी दूंगी। तो इसके अंदर LCD आपको पता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, इसके अंदर चार्ज्ड लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं और एक दो शीट्स के दरमियान होते हैं और उसकी हेल्प से जो है वो इमेज आपको डिस्प्ले पे मिलती है। ये आपके पास बेसिकली कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प होता है, जैसे उसमें एक गन थी जो कि लाइट थ्रो करती थी, यहाँ पर लैंप है आपके पास, वो लाइट का सोर्स है क्योंकि कोई भी इमेज लाइट के सोर्स के बगैर नहीं बन सकती, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसकी हेल्प से जो है इस फ्लोरेसेंट लैंप की हेल्प से जो है वो उस स्क्रीन को बैक साइड से रोशनी पड़ती है तो तस्वीर बनती है और उससे वो तस्वीर हमें नजर आती है। LCD प्रोवाइड शार्पर पिक्चर, LCD की क्वालिटी ज्यादा बेटर होती है। फिर फर्दर उसके अंदर जो आपके पास टाइप है LED है, LED है लाइट एमिटिंग डायोड। LED डिस्प्ले जो है उसके अंदर आप ये सोच सकते हैं कि जैसे आपकी स्क्रीन पर बेशुमार छोटे 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 बल्ब लगे हुए हैं। LED छोटी देखी होगी ना आपने, जैसे अब हमारे पास बर्थडे लाइट्स होती हैं, जैसे हमारे पास शादी ब्याह पे हम डिफरेंट लाइट्स लगाते हैं तो बड़ी बड़ी होती है ना, उनको आप इतना डॉट की तरह जैसे कर लें तो आप देखिए कि अगर एक स्क्वायर में कुछ लाइट्स जो है वो स्क्वायर शेप में लाइट जलेंगी तो आपको वही स्क्वायर नजर आएगा, या फिर आपने डिफरेंट जैसे जश्न आजादी भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे जब लाइटनिंग की जाती है तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के फ्लैग एक लाइटिंग में बना हुआ है, अब वो इस शेप में आ रहा है कि जब वो हिस्से वाली फ्लैग वाले हिस्से की लाइट्स जो है वो ऑन होंगी तो फ्लैग नजर आएगा और जब उससे बाहर वाली नजर होंगी तो फ्लैग नजर नहीं आएगा, तो उस तरह आपको फ्लैग ब्लिंक करता हुआ वो बार बार जलेंगी बुझेंगी अल्टरनेट पैटर्न पे तो वो आपको फ्लैग जो है ब्लिंक करता हुआ नजर आ सकता है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो LED है जैसे वो बड़ी बड़ी लाइट्स है ना, इसमें आप छोटे के बिल्कुल डॉट जितनी जितनी लाइट्स हैं आपके पास छोटी छोटी LEDs हैं, उनको हम LED ही कहते हैं, तो वो जलती बुझती हैं एक तरह से खुद से। अब यहाँ लाइट का सोर्स कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, जैसे CRT में देखा था पीछे कोई गन है जो सरफेस के ऊपर पड़ रही है रोशनी डाल रही है, उसके बाद ऊपर हमने LCD में देखा है कि उसमें भी आपके पास कोई ऐसी सोर्स ऑफ लाइट है जो पूरी सरफेस पे पड़ रही है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ स्क्रीन के मुख्तलिफ हिस्से खुद ही जल बुझ रहे हैं। तो सबसे अच्छी क्वालिटी जो है तस्वीर की इसलिए आपके पास LED की पिक्चर क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। उसके अलावा आपके पास ये ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड भी होते हैं, ये भी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले की टाइप है और ये भी ब्राइटर इमेज देते हैं। बेसिकली ये आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल से होते हैं जो कि एक विजिबल लाइट एमिट करता है, वो लाइट आपको क्लियरली नजर आ रही होती है। और ये वाले जो आपके पास OLED डिस्प्लेस होते हैं इनमें भी कोई बैक लाइट यूज नहीं हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास ये पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, इनकी बैटरी लाइफ ज्यादा होती है, थिनर होते हैं,
ये आपने देखा होगा आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कुछ ऐसी LEDs भी होती हैं जिनको इधर उधर ले जाकर, आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह देखना है तो किसी जगह पर बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग रही हैं, तो वो इस तरह की बेसिकली। या आपने इस्लामाबाद में तो देखा होगा डिफरेंट सिग्नल्स पर भी बड़ी बड़ी LEDs लगी हुई हैं, तो वो इस तरह की पोर्टेबल चीज़ें होती हैं, इनको डिफरेंट जगह पर इधर उधर ले जाया जा सकता है और इनकी अच्छी बैटरी लाइफ होती है। जैसे डिजिटल कैमरा वगैरह में के अंदर भी इस तरह की जो है वो आपके पास डिस्प्ले के लिए इस तरह की सरफेस या इस तरह की LEDs यूज हो रही होती हैं। फिर आपके पास एक गैस प्लाज्मा डिस्प्ले होता है जिसके अंदर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज होती है, और इसके अंदर बेसिकली ये इसमें गैस की लेयर्स होती हैं, दो ग्लास प्लेट्स के दरमियान आप गैस फिल कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सरे के नीचे पानी की एग्जांपल दी है ना, इस तरह अगर आप दो थिन लेयर्स के दरमियान कोई गैस फिल कर दें तो उसकी हेल्प से भी डिस्प्ले लिया जा सकता है। और इसी तरह से जो पिक्स ऐसे जो गैस प्लाज्मा होते हैं इनको अल्ट्रा वायलेट लाइट प्रोवाइड की जाती है और उसकी हेल्प से इसके ऊपर पिक्चर बनती है। और ये भी तकरीबन बहुत बड़ी बड़ी गैस प्लाज्मा स्क्रीन्स अवेलेबल होती हैं, जैसे 150 इंच वाइड्स है। तो ये जो आपके पास मैंने आपको जो पहले अब एग्जांपल दी है जैसे क्रिकेट मैच देखने के लिए या इस तरह स्क्रीन्स बड़ी बड़ी लगाई जाती हैं, तो उसमें भी आपके पास किसी जगह पर गैस प्लाज्मा स्क्रीन्स को भी बड़े इन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी गैस प्लाज्मा स्क्रीन्स बड़ी बड़ी स्टूडेंट्स की टीचिंग पर्पस के लिए भी लगाई जा सकती हैं और कुछ बड़े सेटअप्स में लगी भी होती हैं। उसके बाद आपके पास इन डिस्प्लेज में कुछ टेक्निकल डिटेल ये है कि इसमें दो तरह का डिस्प्ले आता है, एक एक्टिव मैट्रिक्स है, एक पैसिव मैट्रिक्स है। इसको आप देखिए कि जैसे आपके पास ये इस टेबल को देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो CRT ये जो टेबल बना हुआ है ना, आपको ये नजर आ रहा है, अगर इसमें मैं सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर मैं इसको रोशन करूं तो ये पूरी लाइन रोशन हो जाए, पूरी CRT इज लेस एक्सपेंसिव नजर आना शुरू हो जाए। 2 के ऊपर मैं लाइट जो है 2 के अंदर पीछे कोई लाइट लगी हो इसको ग्लो करूं तो ये पड़ा जाए, इट टेक्स सम मोर स्पेस। 3 को ग्लो करूं तो ये पूरी लाइन मुझे मेरी रोशन हो जाए। इस पे यूं समझिए कि इनके अंदर छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4 के अंदर, और 1 से लेकर 7 तक बल्ब लगे हुए, यहां से मैं बल्ब जलाऊं तो पूरी लाइन नजर आना शुरू हो जाए। अगर आपके मॉनिटर स्क्रीन में इस तरह की टेक्निक है तो इसको कहेंगे पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले, यानी हर रो और कॉलम के सिरे पे एक होगा आपके पास। इसी तरह यहाँ जो 1, 2, 3 लिखा है ना, आप एज्यूम करें कि यहाँ ऊपर भी 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो वो 1, 1 से मैच करेगा, 2, 2 से मैच करेगा। इस तरह जब 1 जो है ना, इधर से 1 वाली लाइट ऑन होगी, ऊपर से 1 वाली, जैसे आपने मैट्रिसेस पढ़ी है, लाइट ऑन होगी तो वो ये पूरे का पूरा हिस्सा ये वाला एक ऑन हो जाएगा, ये सी का लेटर ऑन हो जाएगा। इस तरह इधर से 1 और इधर से 2 वाली लाइट ऑन होगी तो ये आर जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। तो ये पैसिव डिस्प्ले है। एक्टिव मैट्रिक्स में क्या है कि ये हर लेटर के पीछे अपनी अपनी लाइट है, सी के पीछे अपनी लाइट है, आर के पीछे अपनी है, टी के पीछे अपनी है, आई के पीछे अपनी लाइट है, इस के एस के पीछे अपनी लाइट है। तो बेसिकली जितनी भी रोज एंड कॉलम्स हैं वो सब की अपनी अपनी लाइट, सिर्फ रो कॉलम के सिरे पर नहीं बल्कि हर डॉट हर पिक्सल के पीछे अपनी लाइट है। तो अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले है वो उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी। और इसके में आमतौर पे हमारे पास TFT मॉनिटर्स होते हैं, TFT स्टैंड्स फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये जो है ना, आप सारे टेबल अब आपने खुद से स्टडी करने हैं, मैंने टेक्निकल डिटेल सारी आपको बता दी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हाई डेफिनेशन टेलीविजन। तो थैंक यू सो मच, मैं इसको मीटिंग की रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ यहाँ से।